वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे डीसी वालों की तरफ से रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है बैट वुमन। इस वेब सीरीज में हमें तकरीबन 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो सिर्फ एक ही एपिसोड आया, उसकी लेंथ है 41 मिनट। तो क्या ये फर्स्ट एपिसोड मुझे देखकर पर्सनली अच्छा लगा, इसके आने वाले एपिसोड आप लोगों को देखने चाहिए नहीं चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो इस वेब सीरीज में हमें मेन लीड में नजर आती है रूबी रोज, जो कि यहाँ पे रोल प्ले करी बैट वुमन का। उनका इस वेब सीरीज में नाम है केट केन। उसके अलावा इसमें हमें डॉगरी स्कॉट नजर आते हैं, जो कि रोल प्ले करे जैकब केन का। मेगन टैंडी यहाँ पे रोल प्ले करी सोफी का। रेशल स्टार यहाँ पे रोल प्ले करी है एलिस का। तो कहानी शुरू होती है केट से, जो बचपन में फ्लैश बैक बताया कि उसकी वो और उसकी सिस्टर और उसकी मॉम एक रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे बैटमैन आता है उन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन किसी वजह से बैटमैन उन लोगों को बचा नहीं पाता है, सिर्फ केट ही उस एक्सीडेंट में बच पाती है। तो केट हमेशा ये सोचती कि अगर बैटमैन चाहता तो हम लोग मेरी मॉम और सिस्टर बच पाती, लेकिन किसी वजह से बैटमैन ने उसकी कोशिश नहीं की जितना उसको करना चाहिए। तो वो यही सदमा लेके बड़ी होती है, लेकिन अब 3 साल हो चुके हैं बैटमैन अब गौतम सिटी में नहीं है, वो कहीं गायब हो गया। तो बहुत से लोग जो उस सिटी के होते हैं वो सोचते हैं कि बैटमैन मर गया, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं बैटमैन वापस आएगा। लेकिन उसी बीच वहां की बड़ी एजेंसी क्रोज सिक्योरिटी एजेंसी के हेड जो होते हैं जेकब केन, वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग फाइनल अनाउंस करेंगे बैटमैन अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उसी वक्त एंट्री होते हैं रेशल स्टार की, जो कि यहाँ पे रोल प्ले करी एलिस का। वो क्रोज सिक्योरिटी एजेंसी की एक एजेंट सोफी को किडनैप कर लेती है, और ये बात पता चल जाती है केट को, क्योंकि सोफी और केट फ्लैशबैक हमें ऐसा बताया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पर केट यानी कि बैट वुमन को एज ए लेस्बियन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो उससे प्यार करते किसी भी तरीके से उसको सोफी को बचा रही है। लेकिन तब तक कि वो बैड वुमन नहीं थी, तो वो सोचती कि यार मैं उसको किस तरीके से बचा सकती हूँ। तो उसका जो कजन ब्रदर होता है यानी कि ब्रूस वेन, इसका कजन ब्रदर होता, तो क्या करती कि वहां जाती थी। तो उसको पता होता कि ब्रूस वेन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास काफी टेक्नोलॉजी है, तो वो वहां पे सीसीटीवी फुटेज से पता कर सकती कि वो लिटरली उन लोग कौन थे, वो पूरा उन लोगों को ट्रैक कर सकती है बेसिकली। तो वो जैसे ही वेन एंटरप्राइजेस में जाती है, तो वहां जाने के बाद उसको पता चलता है कि ब्रूस वेन है, उसे ब्रूस वेन की कॉस्ट्यूम देखती है, वेपन्स देखती है, तो वो हैरान हो जाती है। उसके बाद उसको पता चलता है कि बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन बचपन में जब उसकी मॉम और उसकी सिस्टर का जो एक्सीडेंट होता है उसमें बहुत कोशिश किया, लेकिन वो बचा नहीं पाया, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है कि एक्चुअली वहां पर ऐसा हुआ क्या था जिस वजह से इसकी मॉम और सिस्टर बच नहीं पाई। तो यहाँ पर वो बैटमैन को नफरत करना बंद कर देती है, और वहां पे जो एक सिक्योरिटी एजेंट होता है जो वेन इंटरप्राइजेस को संभालता है, उसको बोलती है कि ये मेरा कजन ब्रदर है, तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, मेरे लिए ऐसे ही बैटमैन वाला सूट बना। तो वो उसके लिए बैट वुमन का सूट बनाता, वो सूट पहनती है। फिर उसके बाद क्या वो अपनी लवर सोफी को बचा पाती, क्या वो जो क्या इसके बाद वो अपनी लवर सोफी को बचा पाएगी एलिस से, तो क्या एलिस जो मेन विलन हमें नजर आ रही फर्स्ट एपिसोड में, आगे चल के पता लगे वो साइड भी थे। ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा बैट वुमन। अब बात करते हैं मुझे पर्सनली कैसा लगा। तो यार मुझे पर्सनली बैट वुमन काफी निराश किया, क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा इसकी अच्छी हाईटेक मतलब एकदम बजट वाली लग रही, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस है बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। स्पेशली मैं रूबी रोज की बात करूँ, तो रूबी रोज का यहाँ पे आप छोटे बाल कर देना या उसके बाइक चला दे देना या लेदर की जैकेट दे देना, तो उससे ऐसा नहीं लगता कि बैट वुमन का किरदार वो निभा सकती है। मुझे पर्सनली वो सुटेबल नहीं लगी। हाँ, फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से तो मैं इतना कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी इसका 2-3 एपिसोड और देखने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल फर्स्ट एपिसोड देख के मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उसका मुझे मजा नहीं आया, कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें मिसिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी एज फर्स्ट एपिसोड मैं आपको पूरा 100% ओपिनियन अपना नहीं बता पाऊंगा, तो और एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। उसके दूसरा एपिसोड आएगा 13 अक्टूबर को, तो सेकेंड एपिसोड देख के मैं आपको बताऊंगी ये वेब सीरीज आगे हमको देखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी मैं 50-50 कह सकता हूँ, क्योंकि तो भाई इस वीडियो में इतना। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मेरा जाओ, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, फर्स्ट एपिसोड आप लोग वहां पर देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।